हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूट्यूब स्टडी चैनल में। आज हम कक्षा 12 के गणित के पहले तो हमने लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न संपूर्ण हल करा दिया। और इसमें देखिए, आप संपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। बहुविकल्पी प्रश्न को आप लोग आसान मत समझिए, एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं इसमें और बहुत जरूरी होता है ये। कुछ लोग सोचते हैं कि लोग अब पेपर एग्जामिनेशन हाल में आप लोगों को बता देंगे, तब समय वो नहीं है। अब कोई कुछ नहीं बताने वाला है, क्योंकि अंग्रेजी का पेपर लीक भी हो गया था तो कोई देखना उसमें बहुत कड़ाई होगी कल के पेपर में। चलिए, एक नंबर का क्वेश्चन बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति से संबंधित पहला प्रश्न है। तो जो पहला प्रश्न है आपका वो है साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर तो वाई का मान क्या होगा। अब देखिए, यहां से जब साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई दिया है तो वाई का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि साइन इनवर्स का मान माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू तक होता है। आपका साइन इनवर्स का मान, तो अब यहां से आपका वाई का मान पाई बाई टू के बराबर, माने माइनस पाई बाई टू के बराबर होगा। अच्छा है, पाई बाई टू से बड़ा होगा, माइनस पाई बाई टू के बराबर चाहे माइनस पाई बाई टू से बड़ा, और छोटा होगा किस से, अपने के पाई बाई टू से, चाहे बराबर होगा। काहे कि आपका साइन इनवर्स एक्स का मान आपका माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू तक, तो माइनस पाई बाई टू से बड़ा आएगा चाहे बराबर आएगा, और पाई बाई टू का छोटा या बराबर। देखिए विकल्प नंबर कौन सा सही है, तो विकल्प नंबर जो दूसरा है आपका वाई का मान माइनस पाई बाई टू इज ग्रेटर से छोटा बड़ा है या बराबर है, और ये पाई बाई टू के छोटा है या बराबर है। चलिए, इस तरह से पहला आपका क्या हो गया, सत्य हो गया। दूसरे बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ चलते हैं, आपका अवयूह से क्वेश्चन है। दूसरा बहुविकल्पी आपका अवयूह से है, पी इज इक्वल टू दिया है, पी इज इक्वल टू, देखिए ये रो है और ये कॉलम है, तो ये पूछ रहे हैं ना कि किस प्रकार का अवयूह है, वर्ग अवयूह है कि विकर्ण अवयूह है कि तत्समक अवयूह है कि इनमें से कोई नहीं। जब देखिए आपका इसमें जब आपका रो और कॉलम में जब अवयवों की संख्या आपकी बराबर हो जाती है ना, जैसे 1, 2, 3 और 1, 2, 3 दोनों सेम ही है ना, तो जब रो और कॉलम दोनों की संख्या जब बराबर हो जाती है तो आपका अवयव वर्ग अवयव कहलाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो तीन है आपका, कोट 3x3 के सभी संभव अवयवों की संख्या जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि दो या शून्य होगी। तो चलिए दो के लिए देखते हैं, 2 की पावर 3, 3 जा 9, 2 की पावर 9 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, 2 9 बार गुणा किया गया, तो 2 × 2 × 2 = 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 2 × 4 = 8, 2 × 16 = 16, 32 × 64 = 128, 2 × 256 और 256 × आपका 512 हो जाएगा, 512। और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चार की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर चार है आपका, यदि x 2 = 18 और x = 6 2 = 18 हो तो एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स का मान देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं, तो एक्स से एक्स में गुणा करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 18 × 36 बराबर, यहां से गुणा करेंगे आपका, तो 6×6 = 36 हो जाएगा और माइनस 18×2 = 36 हो जाएगा। अब देखिए एक्स का स्क्वायर माइनस 36 बराबर ये आपका 0 हो जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर बराबर आपका 36 हो जाएगा। यहां से एक्स बराबर रूट प्लस माइनस रूट के अंदर आपका 36 हो जाएगा, तब एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, प्लस माइनस छ आपका आंसर हो जाएगा। इस दिए गए सारणी का मान प्लस माइनस 6 होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह अवकलज के अनुप्रयोग से है। अवकलज के अनुप्रयोग से क्वेश्चन है ये कि यदि एक उत्पाद की इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपये में Rx = 3x² + 36x + 5 से प्रदत्त है, जब x का मान 15 हो तो इसका सीमांत आय क्या होगा। चलिए देखिए, सीमांत आय पूछ रहा है ना, जो सीमांत आय क्या होगा, तो इसमें आपका जो सीमांत आय होगा वो दिया है Rx = कितना,
3x का स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। यहां से इसका एक बार अवकलन करिए, जब एक बार अवकलन करेंगे तो मैंने कहा d बाई डी एक्स आर एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले आ जाएगा ना तो 6x प्लस 36, एक्स 36 पहले आ जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा, लिखेंगे नहीं 5 का 0 हो जाएगा। और जब कह रहे हैं कि r का मान 15, जब r का मान नहीं यार नहीं x ना x का मान जब 15 है तो 15 रखे इसमें, 6 गुणे 15 प्लस 36 तो ये हो जाएगा 15 का 90 प्लस 36 बराबर 126, और 126 सीमांत आय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रूट में एक्स प्लस वन बाई रूट टू, रूट में एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स का प्रति अवकलज क्या होगा। प्रति अवकलज का मतलब समाकलन, प्रति अवकलज का मतलब समाकलन करना है इसका, समाकलन करेंगे दोनों को अलग अलग कर दे रहे हैं, रूट में एक्स डी एक्स प्लस वन बाई रूट में टू रूट एक्स डी एक्स। चलिए यहां से देखते हैं, इसका हो जाएगा रूट एक्स के पावर एक बटा दो डी एक्स प्लस इसका हो जाएगा वन बाई, एक काम करते हैं इसको रूट एक्स को ऊपर ले जाएंगे ना तो एक्स के पावर माइनस एक बटा दो डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए एक्स के पावर जब एन का समाकलन करते हैं ना तो घाते एक जुट जाती हैं, तो घाते जुट जाती है तो एक्स के पावर थ्री बटा दो, आधा पहले से है एक जुड़ेगा तो तीन बटा दो, नीचे भी तीन बटा दो प्लस सी सी वन, और यहाँ पर प्लस इंटीग्रेशन करेंगे इसका ना तो इसका जब एक जुटेगा तो आधावा है पहले से माइनस में, एक जुटेगा तो आधा हो जाएगा ना तो एक्स के पावर माइनस एक बटा दो बटा में भी हो जाएगा माइनस एक बटा दो प्लस कितना सी टू। अब देखिए यहाँ से एक्स, अब देखिए दो चला जाएगा ऊपर तो दो एक्स के पावर थ्री बटा दो बटा में तीन प्लस है तो प्लस प्लस नहीं प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस, दो चला जाएगा ऊपर और रू एक्स के पावर माइनस एक बटा दो नीचे आपका रह जाएगा वन, चाहे उतना ही रहेगा और इसमें जोड़ दीजिएगा सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाकलन आठ नंबर क्वेश्चन है आपका कि समाक इंटीग्रेशन वन बाई एक्स का स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, देखना है इसमें कौन सा सही होगा। तो इंटीग्रेशन वन के जगह पर लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स दिया ही है, डी एक्स दिया है। चलिए अब एक काम करते हैं, इसका दोनों को अलग अलग हम लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स प्लस डी एक्स कर देते हैं प्लस इंटीग्रेशन कास स्क्वायर एक्स बटा में क्या साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स कर सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि फिर दोनों को जोड़ेंगे तो आधार से हर समान है तो आधार अंश क्या हो जाएगा जुट जाएगा तो फिर उतना ही हो जाएगा। अब देखिए साइन से साइन कट जाएगा तो आपका कास स्क्वायर ऊपर जाएगा तो बन जाएगा क्या सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ये देखिए कास से कास स्क्वायर कट जाएगा ना दोनों साइन बन जाएगा ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बचेगा। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है टैन एक्स, और ये देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस काट एक्स, काट एक्स नहीं माइनस कोसेक एक्स होता है, माइनस कोसेक नहीं कोसेक है ना तो कोसेक का काट ही होता है, सॉरी कोसेक का काट एक्स होता है प्लस क्या जोड़ दिया जाए सी प्लस काट जोड़ दिया जाए तो सी आपका देखिए कौन सा विकल्प सही है, तो टैन एक्स माइनस काट एक्स प्लस सी, टैन एक्स माइनस काट एक्स प्लस सी दूसरा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, अगला क्वेश्चन दिया है कि सदिशो आई के माइनस टू जे का प्लस थ्री के काय और थ्री आई के माइनस टू जे का प्लस के काएप के बीच का कोण ज्ञात करना है, बीच का कोण दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ए वेक्टर ए का मान दिया है, वेक्टर ए का मान दिया है आई का एप माइनस टू जे का एप प्लस थ्री के का एप, और वेक्टर बी का मान दिया है आपका थ्री आई का एप माइनस टू जे का एप प्लस के का एप। अब देखिए हमको बीच के कोण ज्ञात करना होता है ना तो आपका होता है ए डॉट वेक्टर बी अपान में क्या मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू कास थीटा। तो यहां से पहले ए डॉट बी का मान निकालेंगे, वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए या मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान निकालेंगे तब जाके थीटा का मान निकलेगा। तो चलिए यहां से देखते हैं,
पहले ए डॉट बी निकालते हैं ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान निकालते हैं, तो आई से आई में गुणा हो जाएगा वन हो जाएगा, वन में तीन से होगा तो आपका तीन हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, जे से जे में गुणा होगा तो वन, दो से दो में होगा तो चार हो जाएगा। अब के से के में दोनों प्लस है तो प्लस, के से के में वन, तीन से वन में करेंगे तो तीन हो जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू हो जाएगा चार तीन सात और तीन दस माना गया, किस कितना माना गया दस। अब देखिए मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालेंगे, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए का मतलब मानो तो मतलब सबका स्क्वायर कर देते हैं, सभी गुणांक का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा, दो का स्क्वायर करेंगे तो चार हो जाएगा, और तीन का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा नौ, तो नौ कितना हो जाएगा नौ चार तेरह और एक चौदह। मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान आ गया चौदह, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान निकालते हैं तो तीन का नौ हो जाएगा, चार का दो का चार हो जाएगा, तो नौ प्लस चार एक का तो प्लस कितना होगा एक ही होगा, तो नौ चार तेरह और कितना हो जाएगा चौदह, ये भी कितना आ गया चौदह। अब देखिए यहां से सूत्र में रख देते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा में मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो यहां से इसका मान दस, इसका मान रूट में चौदह गुणे रूट में चौदह बराबर कॉस थीटा। अब यहां से देखिए दस बटा में रूट से रूट में गुणा करेगा तो रूट हट जाएगा, आपका आ जाएगा चौदह बराबर कॉस थीटा, ये हो जाएगा पांच बटा में सात, पांच बटा में सात, और थीटा का मान निकालेंगे तो इधर कॉस इनवर्स हो जाएगा ना, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स कितना पांच बटा में सात, पांच बट्टा में सात, यही आपका क्या हो जाएगा बीच के कोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, कॉस इनवर्स पांच बटा सात, यहां से देखिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा कॉस इनवर्स पांच बटा सात ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर दस और अंतिम क्वेश्चन आपका डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स तो सूत्र में है अवकलन, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है एक बटा नहीं माने वन बाई रूट के अंदर वन माइनस एक्स का स्क्वायर। देखिए कहाँ है ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन क्या है सी सही है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आप सबको परीक्षा के लिए शुभकामनाएं, आप लोग जाइए अच्छे से पेपर दीजिएगा, अच्छा मार्क्स लाइएगा, धन्यवाद।